तो हेलो एवरीवन, हम आज सिखाने वाले हैं बैक फ्लिप। तो बैक फ्लिप होने वाला बहुत इजी स्टेप, जो कि आप लोग खोज खोज के यूट्यूब परेशान हो रहे होंगे, मिल नहीं रहा होगा, वीडियो देख देख के पगड़ा रहे होंगे, इस तरह बैक फ्लिप कैसे सीखे। तो सीखना है बहुत इजी स्टेप, जो कि हम आज बताने वाले हैं। चार से स्टेप है, चार स्टेप में फाइनल स्टेप कर देंगे, जो कि बहुत जल्दी सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा, जो अपने टाइप से सीखे हैं। जैसे कि देख सकते हो, जैसे मन कैसे ऐसे मार सकते हो, जैसे मन किया वैसे कर सकते हो, चलते फिरते रोड पे, मतलब जो किए वैसे मार सकते हो, उस टाइप से सिखाने वाले हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, तो पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं, इसलिए आ जाओ। तो पहला स्टेप बहुत ईजी है, जो कि हम लोग को जंप लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बोल सकते हो इसको, सबसे ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, तो वो है हम लोग को जंप के। तो जंप कैसे करना है, आओ स्टार्ट करते हैं, और बेसिक से रूल मतलब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये लो ऐसे, इसको लो ऐसे, ऐसे पैर से जंप करना है ना, और शरीर से, ये नहीं कि ऐसे जैसे मन किया वैसे, वैसे उस टाइप से नहीं। रूल है, रूल नंबर वन से फॉलो करो, इसको ऐसे लो, इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे जाने दो। तो इसको लो ऐसे ऐसे, पहले हाथ को फेंकना स्टार्ट कर दो, जैसे हम फेंका रहे हैं पूरा हाथ से ऊपर, पैर को छोड़ दो, पैर को भी नहीं मोड़ना है। तो पहला एक्सरसाइज है, जो कि हम लोग को हैंड को सबसे ज़्यादा ऐसे ले जाना है, देख सकते हो कितना हाई हैंड से खाई जा रहा है, मतलब हाथ से ऊपर फेंक सकते हैं। तो ये वाला एक्सरसाइज हो गया, और पैर से बताएंगे जो कि सेकेंड एक्सरसाइज है। तो इसको अच्छा से देख लो एक बार, और इस टाइप से वहाँ चाहिए। सेकेंड स्टेप बहुत इजी होने वाला है, जो कि इसको इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे टच करना है, जैसे को इसे उठाकर यहाँ पे छाती पे कैसे भी टच करो, क्योंकि यही है जो सेकेंड स्टेप रोलिंग करने में काम आएगा। ये हो गया, जो कि ऊपर जाके रोलिंग, रोलिंग करने के लिए कुछ चाहिए, जो कि ये चाहिए। और इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज है, तो थर्ड एक्सरसाइज में पूरा फाइनल रोलिंग हो जाएगा। तो आ जाओ इसको यहाँ से टक करने सीखते हैं यहाँ पे। तो इसको लो ऐसे, इसको ऐसे वैसा ही लेना है, इसमें थोड़ा सा पैर से ज़्यादा फोर्स करना है और हाथ से भी, तो दोनों से फोर्स करने से आएगा हमारा ये वाला ऊपर। तो इसको लो ऐसे ऐसे, इसको लो ऐसे ऐसे, पूरा पकड़ने की कोशिश अभी से ही प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बाद में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इसको लो ऐसे और ऐसे, इसको लो ऐसे और ऐसे ऐसे। तो ये हो गया थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। तो हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप में हम लोग को है स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो थर्ड स्टेप में भी हम लोग का बहुत ईजी स्टेप है, जो कि दोनों का मिक्सअप मिक्स करके, जैसे कि जंप और रोल, चेस्ट में टच करके नीचे लेट कर हम लोग को रोल करने सीखना है। इसमें हम लोग को रोलिंग का एक्सरसाइज हो जाएगा। तो रोलिंग एक्सरसाइज करने से पहले ध्यान से देखो, इसको इस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको ऐसे लो, ये हाथ और पैर दोनों से फोर्स करना है और हाथ से उठा देना है। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे इस टाइप से होना चाहिए, जो कि ये है थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड स्टेप एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, उन लोग दोनों तो हो जाएगा, और ध्यान से हर चीज़ को करना है कि चोट वोट ना आए। तो ये लो एक्सरसाइज, इसको लो ऐसे, हाथ से फेंकने का प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस हम लोग का होते रहेगा और एक्सरसाइज जारी रहेगा कुछ दिन तक, जो कि हम लोग को सीखना है। तो इसको लो ऐसे, इसको लो ऐसे और इसको लो ऐसे। तो थर्ड एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी इजी रहा। तो हम लोग अब आते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप हम लोग का बहुत इजी होने वाला है, जो कि देख सकते हो हम प्लेस अच्छा से तो हम लोग का प्लेस अच्छा से देख लो, क्योंकि हम प्लेस को बहुत अच्छा से बनाए हैं, एक बूढ़ा रख के और थोड़ा सा नीचे खाई है, खाई हम बनवाए हैं खुद के लिए। तो देख सकते हो बहुत इजी स्टेप होने वाला है, इसलिए खाई को ज़रूरत है, मतलब कहीं पे भी कर सकते हो, इसलिए खेत के पास थोड़ा सा
ऊंचा नीचा हो गया तो वहाँ पे कर सकते हो, जो कि हम गिरने के वजह से प्लेस अच्छा यूज किए हैं सीखने के लिए यहाँ पे। तो प्लेस ऐसा यूज करना है जो कि फोर्थ स्टेप हम लोग को प्रैक्टिस करने में आसान हो और सीखने में भी आसान हो। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस हम लोग को यहीं से करना है और सीखना भी यहीं से है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खाई है कि प्रैक्टिस शुरू में धीरा होगा, मतलब फाइनल हर स्टेप को इसमें फूंक देना है ऐसे करके। तो इससे देख सकते हो जैसे कि फाइनल स्टेप है जो कि हम लोग को प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस हम लोग को धीरे धीरे होगा, जो कि ऐसे आओ और ऐसे इस टाइप से होगा प्रैक्टिस। तो डरना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हम लोग को अच्छा मुकाम पे ले जा सकता है और जल्दी सिखा सकता है। तो प्रैक्टिस 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 मतलब भूलना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस से डरना बिल्कुल नहीं है और डर से डरना बिल्कुल नहीं है कि गिर जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पूरा बढ़िया से करना है। तो देख सकते हो कि हम लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़रूरत है, जो कि हम यहाँ पर करते रहेंगे प्रैक्टिस जब तक होगा नहीं मेरा से ऐसे इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे हम खाई इसलिए रखे हैं क्योंकि अच्छा से सीख सको। तो ऐसा प्लेस को बिल्कुल यूज करो, फिर उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे टच करने सीखना है पैर को, हाथ को भी, दोनों को। तो इसको लो ऐसे और ऐसे इस टाइप से लो, देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि हम लोग का बेहतरीन स्टेप था, इस टाइप से होना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का फाइनल स्टेप, इसे जल्दी से जल्दी इसको सीखना है, उसके बाद शेयर कर दो और लाइक से सब्सक्राइब ठोक के मारो पूरा, क्योंकि अगला स्टेप इससे भी इजी होने वाला है। और जितना भी स्टेप चाहिए, जितना भी फ्लिप चाहिए, बाकी लिंक में क्लिक करो और जाकर देखो, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, जंप कैसे करें, किक अप, सब के बारे में वीडियो डाल चुके हैं, जो कि सब लोग कमेंट कर रहा था कि इससे भी अच्छा हम लोग को स्टेप चाहिए, वो है बैक फ्लिप का। तो बैक फ्लिप हम आज डाल चुके हैं, जो कि धीरे धीरे स्टेप है, तो धीरे धीरे स्टेप सिखाए हैं। और फाइनल वाला स्टेप है जो कि हम लोग को इस टाइप से करना है जंप, देख सकते हो, जो कि ये रहा फाइनल स्टेप इस टाइप से। तो ये इस टाइप से फाइनल स्टेप सीखने के लिए पूरा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं बाद में, इसलिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अलविदा दोस्तों, आप लोग से हम लेते हुए, क्योंकि जल्द ही लौटने वाले हैं फिर से नया वीडियो के साथ।